नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका मेरे YouTube चैनल घरेलू नुस्खे में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन में सुहागन अगर यह उपाय करती हैं तो सुहागन की हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों जी हां, सावन महीना प्रारंभ हो गया है और भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है और शिवरात्रि पर्व में यह दिन बहुत चमत्कारी होते हैं। इनका अपना खास महत्व है। साल 2022 में सावन का महीना 14 जुलाई से प्रारंभ होकर श्रावण पूर्णिमा के दिन 12 अगस्त को यह सावन समाप्त हो जाएगा। इस श्रावण मास की शिवरात्रि सुहागन स्त्रियों के लिए यह उपाय चमत्कार कर देंगे और उनकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और 26 जुलाई 2022 मंगलवार को शिवरात्रि है। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक होगा और सुहागन महिला अगर यह कार्य करती हैं तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और सच्चे मन से की गई पूजा भगवान शिव और पार्वती की शरण उनकी हर कामना को पूर्ण कर देंगे। अगर आप भी अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहती हैं तो 26 जुलाई को यह उपाय कर दें। बस फिर देखना कि आपकी हर मनोकामना जो आप चाहेंगे वह आपको आसानी से मिल पाएगा। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो इन उपायों को कर लें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर भी जरूर क्लिक कर दें और बेल के निशान पर भी जरूर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो को देख पाए। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है और जैसा हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत रखना अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलना आसान हो जाता है। इसके लिए पहला उपाय, आप महिलाएं श्रावण मास में मां पार्वती को सिंदूर के साथ लाल चुनरी में एक लाल फूल भेंट कर दें। ऐसा करने से आपका सुहाग हमेशा सुरक्षित रहता है और सुहाग पर आने वाली तमाम परेशानियां भी दूर रहती हैं और परिवार सभी समस्याओं से बचा रहता है। दोस्तों, अगले पहे में आप सुबह स्नान आदि के बाद किसी भी शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग का जलाभिषेक कर दें। उसके बाद शिवलिंग पर फूल आदि समर्पित करें, मिश्री माखन आदि भी शिवलिंग पर चढ़ा दें। एक देसी घी का दीपक लेकर उसमें बड़ी बाती रुई की बनाकर दीपक को जला दें और अपनी कामना को कह दें। सुहागन अपनी मनवांछित कामना को पूरा होती देख पाएगी और उनकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, अगले उपाय में महादेव को प्रसन्न करने के बाद आपको महादेव का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। सावन में शिव पुराण की कथा में कहा गया है कि सावन में शिव पुराण की कथा करने का फल अत्यंत चमत्कारी होता है। व्रत आदि रखना सुहागन स्त्री की मनोकामना पूर्ति में समय नहीं लगता और लहसुन प्याज आदि छोड़कर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और फलाहार करें। अगर आप ऐसा संभव ना हो तो शाम को मीठा आहार लेकर व्रत रखें और शाम को मां पार्वती की आरती वंदना करें। उन्हें चूड़ी आदि या श्रृंगार की कोई भी वस्तु अवश्य भेंट करें। ऐसा करने से मां पार्वती प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देगी और आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती चले जाएंगी। दोस्तों, सावन महीने में व्रत विधि, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें, उसके बाद शिवलिंग का जलाभिषेक करें, नंदी और मां पार्वती को भी गंगा जल या दूध चढ़ा दें, शिवलिंग पर एक धतूरे का पत्ता चढ़ा दें या धतूरे का बीज चढ़ाने से भगवान शिवलिंग आप सुहागिन औरतों की कामना को पूर्ण करके अपनी भक्ति भावना के प्रति भाव देखकर आपको आशीर्वाद देते हैं और सुहागिन की कामना को पूर्ण बहुत जल्दी ही करते हैं। जीवन की हर कामना पूर्ण हो पाती है और आप जीवन में जो चाहेंगे वह आपको मिल पाएगा। इस प्रकार सावन महीने में की गई पूजा और सावन महीने में रखा गया व्रत
भगवान शिव को अति प्रिय होता है और आपके ऊपर आशीर्वाद की बौछार बारिश होती है, जिससे आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मैं कुछ नए नुस्खे कुछ नए उपाय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।